ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आदि लीला थर्ड चैप्टर The external reasons for the appearance of श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण, तो क्योंकि 2-3 दिन हो गए मैं वापस से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ हम लोग इस अध्याय पे क्या चर्चा कर रहे हैं। तो इस अध्याय में श्री लक्ष्मीदास कविराज गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का कारण बता रहे हैं, बाहरी कारण बता रहे हैं। अगले अध्याय में आंतरिक कारण बताएंगे। तो बाहरी कारण बताते हुए कविराज गोस्वामी स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं प्रकट होते हैं। बाकी जो समय होता है ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने वर्ष होते हैं, टोटल 864 करोड़ साल होते हैं। 864 करोड़ वर्ष होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, हमारे अगर जीवन की गणना की जाए उसके अनुसार। तो ऐसे तो भगवान के अवतार तो ऐसे हजारों अवतार प्रकट होते रहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, लेकिन स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन, स्वयं भगवान आदि पुरुष गोविंदम आदि पुरुष, वो प्रकट होते हैं एक दिन में एक बार ही। और वो भी कब प्रकट होते हैं भी हमने चर्चा किया, उसका भी डेट एंड टाइम सब फिक्स है, शास्त्रों में वर्णन किया है। नहीं तो कल को कोई भी आके बोल लेगा ब्रह्मा जी के एक दिन में आने वाला वो अवतार नहीं, वही परम भगवान परम ब्रह्म। और है भी ऐसे, नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेना उचित नहीं, लेकिन ऐसे मूर्ख हैं भी जो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि परम ब्रह्म है, या कई बार वो तो अपने आप को नहीं डिक्लेयर करते, वो नहीं बोलते कि हम भगवान हैं, वो तो अपने आप को हमेशा भगवान का भक्त या दास बोलते हैं। लेकिन उनके फिर जो फॉलोवर होते हैं तो उनके जाने के बाद वो अपने जो गुरु को परम ब्रह्म बना देते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने ऐसे गुरु को, जो गुरु ने कभी ऐसा बोला नहीं कि हम परम ब्रह्म हैं या भगवान है नारायण, लेकिन उनके फॉलोवर उनको नारायण ही नहीं, नारायण के भी ओरिजिनल सोर्स बता देते हैं। लेकिन बहुत केयरफुल रहना चाहिए, शास्त्र को प्रमाण लेते हुए हमको स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र के प्रमाण के अनुसार ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, और वो भी कब, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 डिवीजन है, और 14 मनवंतर में जो 7वां मनु होते हैं, 7वां मनवंतर वैवस्वत मनु उसको बोला जाता है, विवस्वान के पुत्र है वो, जो ये मनवंतर अभी वही चल रहा है। तो उसके 28वें दिव्य युग में एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। एक दिव्य युग क्या होता है, सतयुग द्वापर त्रेता कली का जो साइकिल होता है उसका एक दिव्य युग होता है। तो 28वें दिव्य युग में क्या होता है कि ओवरलैपिंग होती है, द्वापर युग दूसरे नंबर पे ना आकर के तीसरे नंबर पे आता है, त्रेता पहले आ जाता है। और ऐसे ओवरलैपिंग वाले दिव्य युग में 28वां जो साइकिल होता है 7वें मनवंतर का, तो उसके द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। और उसी के कलयुग के प्रारंभ में वही भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो इतना यहाँ तक कविराज गोस्वामी वर्णन किए। तो भगवान कृष्ण जब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं तो भगवान कृष्ण अपनी जो प्रेममयी जो लीलाएं हैं, ब्रज का शुद्ध जो प्रेम है, रस है, दास साख्य वात्सल्य और माधुर्य रस, श्रृंगार रस, इसका प्रदर्शन करते हैं और फिर भगवान चले जाते हैं। भगवान कृष्ण एटमोस्ट उन्होंने जो दिया हम सभी जीवों के लिए वो है भगवदगीता। भगवदगीता। बाकी भगवान कृष्ण जो है अपने जो शुद्ध भक्त हैं या तो नित्य जो पार्षद वो लोग वृंदावन से आए उनके साथ प्लस अन्य जो इस भौतिक संसार में भी जो साधन भक्ति करके पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए उनको भी मौका मिलता है, तो भी नित्य पार्षद के साथ मिक्स होकर के भगवान कृष्ण का जो ब्रज में शुद्ध प्रेम है अलग अलग रस में उसमें भगवान उनके साथ लीला का आदान प्रदान करते हैं। और फिर बाकी हम जानते हैं कि जब मथुरा गए, द्वारका गए भगवान, तो असुरों का वध किया और अपने ही जो खुद के जो भक्त हैं उनको भगवान सुरक्षा प्रदान किए। और फिर जाते जाते धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान भगवदगीता बोल के गए जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस संसार के बद्ध जीवों के लिए। बिना भगवदगीता को समझे कोई भी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकता, या असंभव है। इसलिए भगवान कृपा करके भगवदगीता बोले। अब भगवदगीता में भगवान अंत में जा करके यहाँ तक भी बोले कि अगर आप सब लोग इस संसार के जो भी बद्ध जीव हैं वो अन्य सभी धर्मों को त्याग करके अन्य सभी कर्तव्यों को त्याग करके मेरा पूर्ण आश्रय लेंगे तो मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें आपके सारे पापों से मुक्त करके आपको अपने तो आप मुझे प्राप्त करोगे। बस इतना भगवान बोले और फिर निकल गए। लेकिन जब भगवान बोलने गीता होने के बाद अप्रकट होने के बाद भगवान विचार करने लग गए कि मैंने ये तो कर दिया लेकिन वास्तव में क्या ये लोग कर पाएंगे, गीता का जो सिद्धांत मैंने सिखाया इसका पालन कर पाएंगे क्या। जैसे कोई शिक्षक है, टीचर है, तो क्लासरूम में आए और आधा एक घंटा जो है जो भी लेक्चर देना है लेक्चर दे के निकल जाए, लेकिन उससे काम नहीं होने वाला है कि बच्चे तो थर्ड क्लास बच्चे भी हैं, फोर्थ क्लास भी है, सेकंड क्लास भी, और फर्स्ट क्लास तो कुछ एक आध दो ही होते हैं पूरे। अगर 100 बच्चों की क्लास है तो एक दो लोग ही होंगे जो फर्स्ट क्लास होंगे, जो टीचर केवल टीचर को सुन के मात्र वो कर लेंगे सर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को करके दिखाना पड़ेगा, एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। और फिर कुछ ऐसे भी कैटेगरी के होंगे कि उनके खुद के पास जा करके उनके कॉपी में करके नोटबुक में करके दिखाना होगा तब वो समझेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण विचार करने लग गए कि मैंने थ्योरी क्लास तो दे दिया, अब कैसे अभी इनको क्या करना पड़ेगा, इनके पास जा करके जो मैंने थ्योरी दिया है गीता में सिखाया है वो मुझे करके दिखाना पड़ेगा। तो यही विचार करते हुए चैतन्य सिंहेर नवदीपे अवतार सिंह ग्रीव सिंह वीर सिंहेर ओंकार, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अवतार हुए सिंह की भांति गर्जना करते हुए हरिनाम की गर्जना करते हुए अवतार ले। तो यहाँ तक हमने किया था। कविराज गोस्वामी फिर बोलते हैं ऐसे सिंह ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि लायंस की तरह है, शेर की तरह है। शेर का क्या प्रभाव, शेर को जंगल का राजा क्यों बोलते हैं, हाथी को क्यों नहीं बोलते, क्योंकि शेर भले ही हाथी से दिखने में छोटा दिखता है लेकिन शेर अगर आ जाए गर्जना कर दे तो हाथी भी डर के भाग जाए, इतना पावर है शेर का, इतना प्रभाव, इसलिए उसको जंगल का राजा बोलते हैं। तो कविराज गोस्वामी बोलते से सिंह कवसुप जीवेर हृदय कंदरे कलमश द्विरद नासे याहर अहंकारे। ऐसा सिंह ऐसा शेर जो है हर जीव के हृदय कंदर कंदर में यानी हृदय कंदर कंदर मतलब होता है गुफा, हृदय रूपी गुफा में प्रकट हो जाए या आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, अद्भुत बात है, हमको श्रीला कविराज गोस्वामी हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में प्रकट हो जाएं। और कलमश द्विरद नासे यहाँ अहंकारे, कलमश द्विरद, द्विरद मतलब हाथी, तो ये जो पाप रूपी कली के कलमश रूपी जो हाथी हैं उनके केवल उपस्थित होने से उनके हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ओंकार, ओंकार मतलब उनकी गर्जना, आप लोगों की गर्जना क्या है हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, ये है महाप्रभु की गर्जना। और जो भी इस गर्जना को सुनता है तो उसके हृदय से ये जो कली के कलमश रूपी हाथी हैं ये सब डर के भाग जाते हैं। हाथी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना वो किसी साधारण जीव जंतुओं को डरा सकता है, शेर के छोटे छोटे बच्चों को डरा सकता है, लेकिन जैसे ही शेर वहां पे आ जाएगा और एक फुंकार मारेगा तो हाथी जो है वो डर के भाग जाएंगे। इसी प्रकार से जीवात्माएं जो है भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे ही हैं, हाँ, तो हमारे अंदर भी भगवान के जैसा ही दिव्य गुण है, लेकिन हम अभी माया के प्रभाव में आने के कारण, कली के प्रभाव में आने के कारण हम विचलित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन भगवान अपने ही अंश जीवात्माओं की रक्षा के लिए आते हैं और हरिनाम संकीर्तन रूपी गर्जना करती है और उससे कली कलमश रूपी जो आती हैं नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 32 नंबर श्लोक से। प्रथम लीलाय तारा विश्वभर नाम, भक्ति रसे भरिला धरिला कृतग्राम। प्रथम लीलाय तारा विश्वभर नाम, पहले उनका नाम क्या हुआ? शुरुआत की लीला में। In his early pastimes, he is known as Vishwambar because he floods the world with the nectar of devotion and thus saves the living beings. यहाँ पे तो बहुत सारांश में एक दो श्लोक में बताया गया है, लेकिन जब हम 13 चैप्टर में पहुंचेंगे, 13 नंबर श्लोक में जब पहुंचेंगे, 13वें अध्याय में 13 नंबर चैप्टर में, तो वहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट का और फिर उनकी जो शुरू की जो लीला है, जन्म लीला, उसका वर्णन आएगा। नामकरण कैसे होता है, जैसे कृष्ण बलराम का नामकरण किए थे गर्गाचार्य, तो वही गर्गाचार्य नीलाम्बर चक्रवर्ती के रूप में आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु का नामकरण करते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये वही है, तो वही बालक है, कोई और नहीं। तो इसलिए उनका नाम वो विश्वम्भर देते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का नाम ऑफिशियल नेम विश्वम्भर। लेकिन उसके पहले भी जैसे ही जन्म होता है बालक का, तो कुछ लोग ऐसा है ना, आज भी ऐसा प्रथा है, जानते हैं लोग कि अगर कोई बालक जन्म लिया है तो उसकी कोई मामी होगी, मौसी होगी, चाची होगी, दादी होगी या माँ बाप की, तो उसको देख के और किस दिन पैदा हुआ है या किस परिस्थिति में पैदा हुआ है, कहाँ पे पैदा हुआ है, तो उससे नामकरण कर ही देते हैं, नाम तो रख ही देते हैं। जैसे हमारा भी नाम इसी को ध्यान में रखते हुए शरद रख दिया गया, तो बाद में नाम जो है ऑफिशियली स्कूल में हुआ। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवदीप में नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका नाम रख दिया गया निमाई। ये सबसे पहला नाम रखा गया निमाई। और ये नाम किसने रखा? सीतापुरानी, अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी सीतापुरानी आई थी, तो उन्होंने ये नाम चैतन्य महाप्रभु का रखा निमाई। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का एक ये हैबिट था, जानबूझ के चैतन्य महाप्रभु निमाई ये हैबिट रखते थे कि तो रोते थे और किसी भी तरीके से वो चुप नहीं होते, चाहे कितना खिलौना दे दो, कितना भी गोद में ले लो, घुमा दो, रोते रहते थे। तो फिर एक बार ऐसे एक लेडी आई और वो हरी बोल करने लगी। जैसे हरि बोल महाप्रभु सुने, निमाई बालक, छोटा सा बालक है, तो वो हंसने लगते थे, खुश हो जाते थे। तो सबको हिंट लग गया, पता चल गया कि केवल ये हरिनाम अगर लेंगे इनके सामने तो ये चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। तो इसलिए फिर जब भी वो रोते थे तो हरि बोल बोलते थे, और जैसे हरि बोल बोलना कोई बंद कर देता था फिर से रोने लग जाता था निमाई बालक। तो इसलिए एक ड्यूटी लगा दिया गया था शिफ्ट वाइज, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, एक नए को रखना पड़ता था कि उनके महाप्रभु के सामने रह के कोई ना कोई हरि बोल, हरे कृष्णा जप करेगा तब वो शांत रहेंगे, नहीं तो रोना चालू कर देंगे। तो इसलिए फिर लोगों ने चैंटिंग बॉक्स उस वक्त नहीं था, माता जी लिख रही है कि चैंटिंग बॉक्स नहीं था तब, सही बात, जो आसपास की माताएं थी वही उनका चैंटिंग बॉक्स था। तो इस प्रकार से निमाई तो माताओं ने, आसपास की माताओं ने ही फिर, क्योंकि हरि बोल बोलने पे खुश हो जाते थे और इनका वर्ण था, गौर वर्ण के थे, इसलिए उनको फिर नाम रख दिया गौर हरि। इसलिए महाप्रभु का नाम पड़ा गौर हरि। फिर उसके बाद जब उनका नामकरण होता है, नामकरण के टाइम पे नीलाम्बर चक्रवर्ती, जो कि चैतन्य महाप्रभु के वास्तव में नाना थे, उनकी माँ सच्ची माता के पिताजी नीलाम्बर चक्रवर्ती जो बहुत महान दार्शनिक थे, बहुत ही महान ब्राह्मण और दार्शनिक ज्ञानी, तो उन्होंने खुद कुंडली बनाया और ये नाम रखा विश्वम्भर। वहां पे लेकिन पूरा जो पहचान है, पहचान उन्होंने रिवील नहीं किया था, लेकिन बस इतना ही बोला था कि ये जो बालक है अद्भुत बालक है और ये पूरे विश्व का भरण पोषण करने की शक्ति रखता है, पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, इसलिए विश्वम्भर नाम रख दिया है। कि विश्वम्भर मतलब जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, विश्वम्भर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस नाम को किस रूप में लिया? महाप्रभु बोले कि प्रभु कहे अमी विश्वम्भर नाम धरी, प्रेम विश्व भरी तबे नाम सार्थक। ये मेरा नाम तो विश्वम्भर रखा गया है और ये नाम सार्थक कब होगा? जब पूरे विश्व को मैं प्रेम से, हरिनाम के प्रेम से भर दूंगा, तभी मेरा नाम सार्थक होगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो प्रथम लीला आया यानी चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स में उनके नामकरण का नाम विश्वम्बर रखा गया क्योंकि इसके द्वारा भक्ति रस से भरीला भक्ति रस से पूरे संसार को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भर देने वाले हैं। नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रस के अमृत से का दान करने वाले हैं और समस्त जीवों की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम विश्वम्बर पड़ा। विश्वम्बर दुप्रेण धातुरर्थ पोषण धारण कुशीला धरीला प्रेम दिया त्रिभुवन। उसका अर्थ बता रहे हैं कि द वर्बल रूट दुप्रेण, यहाँ पे जो विच इज द रूट ऑफ द वर्ड विश्वम्बर। विश्वम्बर जितने भी संस्कृत में शब्द होते हैं उसका कुछ ना कुछ मूल होता है, रूट होता है, मूल, और उस मूल से ही बहुत सारे नाम बहुत सारे जो शब्द बनाए जाते हैं। ये संस्कृत भाषा की खूबसूरती है, सुंदरता है। बाकी ऐसी भाषा बाकी भाषाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इतने परफेक्ट तरीके से नहीं होता है कि मूल से रूट से बहुत अच्छे तरीके से सुंदर सुंदर अर्थ वाले शब्द बनाए जा सके। तो जो अर्थ भी छुपा रहता है उसे रूट में छुपा रहता है। जैसे भजन है तो भज धातु से आता है, तो इस प्रकार से विश्वम्भर दुभृन धातु से आता है। तो दुभृन जिसका मतलब होता है विच इंडिकेट्स नरिशिंग एंड मेंटेनिंग। She means Lord Chaitanya nourishes and maintains the three words by distributing love of God. उशीला धरीला प्रेम दिया। अब भगवान कैसे पोषण और करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं सारे जीवों का, अपने प्रति प्रेम भक्ति का दान देकर। वैसे तो मैं मेंटेन करते ही है भगवान हर किसी को उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनको इस भौतिक संसार में जो जरूरत है खाना पीना और जो भी अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ज्ञान चाहिए, रिमेम्बरेंस चाहिए, है ना, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपूर्णम। तो ये तो भगवान देते ही है निश्चित रूप में, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन साथ ही साथ में भगवान पोषण करते हैं जीवों का, उनको भगवान अपनी भक्ति की तरफ प्रकृति में बढ़ा करते हैं। वो असली मेंटेनेंस है, वो असली पोषण है। इसी के कारण भगवान ने पूरी भौतिक जगत को की रचना की है, संरचना की है। और यही कारण है कि भगवान स्वयं बार बार अवतार लेके आते, अन्यथा भगवान को आने की जरूरत नहीं। अगर केवल जीवों को खाना पिलाना और इस संसार में रह के जो सुख सुविधा देना है वही अगर कार्य करना होता तो वास्तव में भगवान को अपने वैकुंठ धाम को से आने की आवश्यकता नहीं है, अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। वो कार्य तो दुर्गा देवी अच्छे से कर सकती। और परम ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते भी इस बारे में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। विभर्ति दुर्गा, विभर्ति मतलब मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करते हैं, अच्छे से पालन पोषण करते हैं। इच्छान रूपम अपि यस्य च श्रेष्ठते सा गोविन्दमादि पुरुषं तमं भजामि। ये सृष्टि स्थिति, सृष्टि मतलब सृष्टि करना, स्थिति मतलब उसका पालन पोषण करना, और सृष्टि स्थिति प्रलय, प्रलय मतलब संहार करना। तो ये वास्तव में भगवान की दुर्गा शक्ति जो बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी, उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। और इच्छा अनुरूपम भगवान की इच्छा के अनुरूप सचेष्टते सा, उनका जितना भी प्रयास है इस भौतिक संसार में वो जो भी कार्य करते हैं भगवान हरि भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुरूप वो कार्य करते हैं। और कैसे, एग्जैक्टली हूबहू, ऐसा नहीं कि मालिक ने कुछ और बोला। इस संसार में ऐसा होता है कि मालिक कुछ और बोलता है, सर्वेंट कुछ और करता है ना। पहले तो मालिक कुछ बोलेगा, सर्वेंट समझेगा कुछ, और फिर बाद में कार्य कुछ और करेगा। तो यहाँ पे मिसमैच होता है। लेकिन दुर्गा देवी इतनी एक्सपर्ट मेड सर्वेंट है, इतनी दक्ष है, इतनी शक्तिशाली है और इतनी ओबीडियंट आज्ञाकारी है कि भगवान की छाया बन के, छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, छाये भगवान की छाया बन करके जैसा जैसा भगवान इच्छा करते हैं वैसा वैसा वो कार्य करते हैं। तो वो कार्य, इसलिए भगवान को पर्सनली आने का, व्यक्तिगत रूप से आने का कोई आवश्यकता नहीं है। वो बहुत ही एक्सपर्ट मैनेजर है, तो भगवान को आने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान अगर आते हैं तो इसका मतलब कुछ ऐसा चीज है देने के लिए जो इस भौतिक संसार में उपलब्ध नहीं है, उस चीज को देने के लिए। और वो क्या है, अपने प्रति जो प्रेम और भक्ति है, ताकि असली नरिशमेंट, असली पोषण हो सके जीवों का, और इस प्रेम को भक्ति को प्राप्त करके भगवान के धाम की तरफ प्रवृत्ति कर सके। इस प्रकार से महाप्रभु प्रकट होते हैं। फिर शेष लीलाय धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैला धन्य। और आखिरी लीला, शेष लीला मतलब संन्यास के बाद, संन्यास के बाद की जो लीला है उसको मध्य लीला और अंत्य लीला के नाम से जाना जाता है। इसमें तो जो शेष लीला है उसमें संन्यास के बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम छोड़ करके जगन्नाथपुरी और फिर जगन्नाथपुरी से पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं। तो उस लीला में उनका नाम पड़ता है श्री कृष्ण चैतन्य। और श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैला धन्य, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, शिक्षा और भक्ति प्रदान किया, इसीलिए उनके कारण पूरा विश्व जो है धन्य हो गया। In his latter pastimes, he is known as Lord Shri Krishna Chaitanya. He blesses the whole world by teaching about the name and fame of Lord Shri Krishna. इसमें वो सुंदर परफेक्ट तात्पर्य है, बड़ा सा। इसको हम कल इस तात्पर्य में पढ़ के थोड़ा और चर्चा करेंगे कि इसमें वर्णन किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का संन्यास होता है, किस प्रकार से जो है आगे संन्यास का महत्व इसमें बताया गया, और फिर किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र का शिक्षा और भक्ति का प्रसार प्रसार। टाइम हो गया, इस हिसाब से विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गाय और आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न? हाँ, यस। हाँ, जैसे हम लोग सुनते हैं, जैसे सतयुग में अम्बरीश महाराज थे तो 3 दिन की एकादशी करते थे। सत्य दो इवेंट रहता है, दोपहर तक की 3 दिन की एकादशी करते थे, 10वीं एकादशी और द्वादशी। तो अगर द्वादशी के दिन में भगवान का नाम, जब द्वादशी में सुना है कि पढ़ा भी है कि द्वादशी विष्णु का दिन होता है, तो कैसा रहेगा? सही बात है। एकादशी और द्वादशी कभी, द्वादशी का भी बहुत महत्व है। और जो एकादशी व्रत करते हैं, अगर वो लोग द्वादशी को भी में भी व्रत करते हैं, व्रत मतलब आपको वैसा नहीं है आप अनाज खा सकते हैं, व्रत का मतलब केवल ये नहीं होता खाने पीने से संबंधित, व्रत का मतलब कि आप कुछ भाव लेते हैं कि हम भगवान का सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, तो वो भी आपको एकादशी का ही फल मिलेगा। इसलिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि द्वादशी यानी आज के दिन भी माला कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडो प्रणाम। प्रभु जी, हमें अभी एक चीज नोटिस की मैंने, आपने कहा ओवरलैप मींस कुछ समझ नहीं आया कि द्वापर पहले और त्रेता बाद में, आपने मतलब ये चीज समझ नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए। ओवरलैप का मतलब होता है आगे पीछे हो जाना, तो कुछ कारणवश उसका इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस शास्त्र में वर्णन होगा, लेकिन त्रेता युग बाद में पहले चला जाता है और द्वापर युग बाद में आता है, इसको बोलते ओवरलैप। नहीं तो जनरली सतयुग के बाद द्वापर युग आता है, फिर त्रेता युग आता है और फिर कलयुग आता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में चेंज हो जाता है। इतना उसका जानने की जरूरत नहीं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।